আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। আম্মা বাদ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু। সাদাকাল্লাহু মাওলানাল আযীম। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन नाजरीन, आप देख रहे हैं हफ्तावार इस्लाही प्रोग्राम। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद रज़ा सकाफ़ी। आज की गुफ्तगू का उनवान, इत्तेहाद शान ईमा भी वक्त की ज़रूरत भी। किसी शायर ने क्या ही खूब लिखा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। और हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने क्या ही खूब इरशाद फरमाया, इत्तेहाद का नाम ज़िंदगी, इख्तलाफ का नाम मौत। इसी मुनासबत से मैंने कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरकाबाजी न करो। यकीनन इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत भी है और ये शान ईमा भी है। हमारी तरक्की आज मसदूद नज़र आ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल इख्तलाफ का है। हम तरक्की के बजाय तनज़ुली का शिकार रोज़ रोज़ हो रहे हैं। वजह यह है कि हमें अपनों में इत्तेहाद नहीं है। याद रखे, जिस कौम में इख्तलाफ हो जाए उस कौम की तरक्की की राहें मसदूद हो जाती है। और ये चीज हमारी कौम में ज्यादा नजर आ रही है। मैं अपने दीनी मिल्ली मजहबी मसलकी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी आप इख्तलाफ को दूर करें और एक दूसरे के साथ ईमानी रिश्ता मजबूत करें। आइए, बड़ी प्यारी हदीस मैं सुनाने जा रहा हूं। एक मोमिन का ताल्लुक दूसरे मोमिन के साथ होना कैसा चाहिए, किस तरह का ताल्लुक हो, सुनिए हदीस पाक। قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله। बुखारी शरीफ में भी हदीस पाक मजकूर है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस पाक मजकूर है। मुस्लिम शरीफ की जो रवायत है, अलमोमिनून की जगह अलमुस्लिमून है उसमें। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम मोमिनीन, चाहे वो मशरिक का रहने वाला हो, मगरिब का रहने वाला हो, नेपाल का हो, हिंदुस्तान का हो, चाहे पड़ोसी क्यों ना हो, सारे मोमिनीन आपस में एक शख्स वाहिद की तरह है। सारे मोमिनीन शख्स वाहिद की तरह है। जिस तरह शख्स वाहिद कि जिसमें बहुत सारे आज़ा होते हैं, आँख होती है, हाथ होता है, सर होता है, कान है, उंगली है, बहुत सारे आज़ा हैं। अगर एक आज़ा उज्व को तकलीफ पहुंचती है तो उसका एहसास पूरे जिस्म को होता है। आँख को तकलीफ पहुंचती है, आँख में दर्द हो, एहसास पूरे जिस्म को होता है। सर में तकलीफ हो, एहसास पूरे जिस्म को होता है। इसलिए हाथ को भी तकलीफ आंख में दर्द होने की वजह से, सर को भी तकलीफ आंख में दर्द होने की वजह से, पूरे जिस्म में हरारत, क्यों? इन सारे आजा का ताल्लुक एक दूसरे के साथ मजबूत है। इतना मजबूत है जिस्म के आजा का ताल्लुक कि एक उज्व को तकलीफ होती है तो एहसास तमाम आजा को होता है। आंख को तकलीफ होती है, सरकार ने इरशाद फरमाया, इन इश्तका ऐनहू इश्तका कुल्लुहू, तमाम मोमिनीन आपस में शख्स वाहिद की तरह है कि अगर उसकी आंख को तकलीफ पहुंचती है, इश्तका कुल्लुहू, तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। वह इन इश्तका रासुहू इश्तका कुल्लुहू, अगर उसके सर को तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। ये क्यों?
मजबूत रिश्ते की बुनियाद पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस फरमान का मतलब यह हुआ कि ऐ मोमिनो, आपस में तुम भी रिश्ता इस तरह मजबूत कर लो जिस तरह जिस्म के आज़ा के रिश्ते मजबूत है कि एक उज्व को तकलीफ होती है तो एहसास पूरे जिस्म को होता है। आपस में तुम भी इतना रिश्ता मजबूत, इस रिश्ते को मजबूत कर लो कि अगर एक मोमिन भाई को तकलीफ हो तो उसका एहसास सारे मोमिनीन को, तमाम मोमिनीन भाई को उसका एहसास हो सके। ऐसा ना हो कि खुश हो अपने मोमिन भाई की तकलीफ को देखकर। यह है ईमानी रिश्ता, यह है इत्तेहाद जिसका हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। दूसरी हदीस पाक सुनिए, قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए उस इमारत की तरह है कि उसका एक हिस्सा, उसका बाज़ हिस्सा बाज़ हिस्से को ताकत पहुंचाता है, कुव्वत पहुंचाता है। मसलन इमारत में ईंटें लगी होती हैं, ईंट दीवार में जोड़ने से पहले जब आपने जमीन पर रखा था तो उस ईंट को एक छोटा सा बच्चा उठाकर फेंक सकता था, फेंकने की ताकत रखता था। मगर वही ईंट जब दीवार में जुड़ गई, उस एक ईंट का ताल्लुक दूसरे ईंट के साथ मजबूत हो गया, तो अब उस ईंट को एक बच्चा क्या, जवान भी उसको फेंकने के लिए 100 बार पहले सोचेगा। अगर उसे गिराना हो तो हथियारों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उस एक ईंट का ताल्लुक दूसरी ईंट के साथ हो चुका है। अब उसे यूं ही हम फेंक नहीं सकते हैं, यूं ही हम गिरा नहीं सकते हैं, उसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। ऐ मोमिनो, आपस में आप ताल्लुक, आपसी ताल्लुक इस तरह कायम कर लो कि आप एक दूसरे की ताकत बन जाओ, कि आपको कोई नुकसान न दे सके, आपको कोई हल्के में न ले सके, आपको कोई फेंक न सके, आपको कोई बर्बाद न कर सके। अगर करना भी चाहे तो पहले 100 बार सोच ले। इसलिए आपसी रिश्ता मजबूत करें, इत्तेहाद कायम करें। एक मकाम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि उसके हाथ और उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हमारा मुआशरा जो तरक्की के बजाय तनज़ुली का शिकार हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा दखल इख्तलाफ का है। हमारे मोमिन भाई, हमारे मुस्लिम भाई एक दूसरे की ऐबजोई में लगे रहते हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा मोमिन वो है कि उसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आप अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत सोचो, इख्तलाफ को दूर करो, इत्तेहाद कायम करो। इत्तेहाद का नाम जिंदगी, इख्तलाफ का नाम मौत। और मैं अपने उलमाए किराम से भी मुअद्दबाना अंदाज में गुजारिश करता हूं, उनकी खिदमत में अरीजा पेश करता हूं कि अगर किसी आलिम में कोई कमी नजर आए, कोई खामी नजर आए, तो इसलाह के बजाय आप उन पर तनकीद के बौछार न कर दें कि वो भी परेशान हो जाए और आप पे भी तनकीद करें और तनकीद का निशाना आपको भी बनाए, आप में भी खामी तलाश करें। अगर किसी आलिम में या किसी आम मुसलमान भाई में आपको कोई खामी नजर आ जाए तो आप उन्हें इसलाह की कोशिश करें, आप उनके करीब हो और उनकी इसलाह करें महब्बताना अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में, ताकि वो आपकी बात कबूल कर सके।
इस अंदाज में नहीं कि उनको बुरा लग जाए और आपकी अच्छी बात से मुकर जाए, वरना इसलाह के बजाय मजीद नुकसान वहाँ पे हो जाएगा। मेरे मोहतरम, बातें बहुत सारी है, वक्त की ज़रूरत भी बता रही है कि आज कौम मुस्लिम में इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इत्तेहाद का पैगाम दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमें तफरकाबाजी से रुकने और रोकने का हुक्म दिया। ऐ मेरे भाइयों, आप आपस में इत्तेहाद कायम रखो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत कायम करो, थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर आप पुराना रिश्ते को मत तोड़ दो, भाईचारगी को ख़त्म ना करो, इत्तेहाद को ख़त्म ना करो। याद रखें, एक मकाम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। दूसरे नंबर का वो शख्स है जो रिश्ते को तोड़ता है, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम, ये रिश्ते ईमानी को न तोड़ो, रिश्ते मोहब्बत को बर्बाद न करो, आपस में इत्तेहाद कायम करके रहो, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश आओ, मोहब्बताना अंदाज में। आपका अंदाज जब मोहब्बताना होगा, आपकी बोली में मोहब्बत होगी, आपकी गुफ्तगू में मिठास होगी, तो यकीनन आप से लोग मुतासिर होंगे और आपकी बातें भी तस्लीम करेंगे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में तफरकाबाजी ना करो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला सारे मोमिनीन को आपस में मुत्तहिद होकर रहने जीने की तौफीक अता फरमाए और नाइत्तेफाकी से बचने की तौफीक अता फरमाए, इख्तलाफ से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।